साथियों आइए अब चर्चा करते हैं सुनिश्चित सफलता की। सफलता एक ऐसी शब्द है जो हर इंसान पाना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफलता कुछ कीमत मांगती है। हम सब करते क्या हैं कि कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं और बड़ी सफलता भी पाना चाहते हैं। साथियों ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। हम इंसान ऐसा सोचते हैं कि चमत्कार के रूप में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाए, जबकि साथियों ऐसा नहीं होता है। सफलता एक कीमत मांगती है और उस कीमत को हमें चुकाना होता है। सुनिश्चित सफलता के लिए हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करनी होती है, और हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। साथियों सफलता अर्थात धन सम्मान बढ़ते हुए क्रम में जीवन में आता रहे, धन भी बढ़ता रहे, सम्मान भी बढ़ता रहे, जस कीर्ति बढ़ता रहे, तो जीवन एक सफल जीवन होता है। इन सब कुछ को पाने के लिए हमें एक शानदार प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि आज इस देश की बहुत ही शानदार संस्था मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी हम सब लोगों को प्राप्त है। अच्छाइयों के मामले में, अधिक से अधिक साधन देने के मामले में, होप के मामले में कि कुछ भी बहुत अच्छा हो सकता है, उसका एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक, एक सिंबल के रूप में आज मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी इस देश में है। एक होप है इस देश का मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी कि नेटवर्क इंडस्ट्री को एक कंपनी बहुत बड़े ऊंचाई तक ले जाएगा, आदर्श के रूप में उसको स्थापित करेगा, और देश से बेरोजगारी और बीमारी और गरीबी को दूर करने में मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐसा एक उम्मीद है, एक उम्मीद का किरण है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी इस देश में। साथियों हम सब लोग अपने इस स्मार्ट वर्क में क्या करें, हम सब लोग इस स्मार्ट वर्क में क्या करते हैं, लोगों से बात करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि आप अधिक से अधिक लोगों से बात करिए। दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप अधिक से अधिक लोगों से बात करिए। तीसरी भी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप अधिक से अधिक लोगों से बात करिए। उसके बाद उनके साथ आप अपने रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत कर लीजिए, अर्थात उनको अपने साथ जोड़िए। इसके लिए आपको क्या करना होता है साथियों, इसके लिए आपको मोरल की चर्चा उनसे करनी होती है, मोरल की स्टोरी उनको सुनानी होती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो दुनिया का सबसे महान व्यवसाय है, 21वीं सदी का व्यवसाय है, अब जो वक्त आ चुका है, इस वक्त के बाद आप देखेंगे कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा व्यापार, सबसे बड़ा उद्योग का रूप ले लेगा पूरे दुनिया में और अपने देश भारत में भी। साथियों फिक्की के एक अनुमान के अनुसार 2025 तक 465 अरब का व्यापार होगा नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार, 465 अरब का व्यापार होगा भारत में फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार, 465 अरब का, 14 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार पूरे दुनिया में होगा नेटवर्क मार्केटिंग का। एक एक्सपर्ट का अनुमान है साथी। आप सोचिए अभी भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, साउथ कोरिया की जनसंख्या मात्र 5.8 करोड़ है, अर्थात लगभग 6 करोड़ है साउथ कोरिया की जनसंख्या। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय के टर्नओवर के मामले में साउथ कोरिया का टर्नओवर इंडिया के नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर से 9 गुना अधिक है, जबकि वहां की जनसंख्या 6 करोड़ है और अपने देश की जनसंख्या 138 करोड़ है। तो जिस दिन भारत में इसकी वास्तविक शुरुआत होगी नेटवर्क मार्केटिंग की, उस दिन कितना बड़ा ही रोजगार बनेगा, कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। साथियों अभी जस्ट शुरुआत हुआ है भारत में नेटवर्क इंडस्ट्री का, ये इंडस्ट्री सबसे अधिक रोजगार देने वाला इंडस्ट्री बनने चला जा रहा है। इस इंडस्ट्री में आपको चर्चा करनी होती है, चर्चा जो जितना ज्यादा करता है उसको उतना ही ज्यादा खर्चा प्राप्त होता है, खर्चा करने के लिए पैसे प्राप्त होते हैं। लोगों से चर्चा करिए, लोगों को मॉरल के स्टोरी सुनाइए, मॉरल में सफल हुए लोगों के स्टोरी सुनाइए। जो व्यक्ति स्टोरी जितना ज्यादा सुनाएगा, नेटवर्क जितना बड़ा बनाएगा, ये 465 अरब का जो व्यापार होगा उसमें उसका हिस्सा उतना ही बड़ा होगा, उसकी आमदनी उतना ही बड़ी होगी। आप सोचिए 14 लाख करोड़ डॉलर का ये इंडस्ट्री बनने जा रहा है, जिसकी जितनी
जितनी बड़ी टीम होगी, जितनी बड़ी नेटवर्क होगी, उसके पास उतना ही ज्यादा धन और सम्मान होगा। इसके लिए आप स्टोरी, मोरल की चर्चा, मोरल की कहानी लोगों से बताइए, लोगों से बात करिए। और साथियों, ये डुप्लीकेशन का व्यवसाय है। यहां पर आप जो कहते हैं वही नहीं सिर्फ आपका टीम करता है, आप जो करते हैं वो आपका टीम करता है, आप जो कुछ भी करते हैं आपका टीम उसको डुप्लीकेट करता है। तो आप अपने उदाहरण से लोगों को ऐसा एग्जाम्पल पेश करें कि उसी को आपका टीम डुप्लीकेट करे। उस उदाहरण से ही आपका टीम का विकास होता चला जाएगा, आपका नेटवर्क का विकास होता चला जाएगा। सिर्फ कहने से नहीं, आपके एक्टिविटी का, आपके कार्यों का, आपके करने से आपका टीम उसका अनुसरण करती है, डुप्लीकेशन करती है, नकल करती है। और ये मल्टीप्लीकेशन का व्यवसाय है। जब सही डुप्लीकेशन होता है, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर वो मल्टीपल होने लगता है, वो नीचे तक पहुंचने लगता है, और वो भी साथ ही वो सब कुछ करने लगते हैं आपके डाउनलाइन का जो आप करते हैं, क्योंकि आप उनके अपलाइन हैं। जैसे अगर आप किसी मीटिंग में इस बात को कहें कि सब लोग अपने टूटी पर अंगुली रखें, और आप अंगुली को यहां रखें, और सबको कहें कि आप अपने टूटी पर अंगुली रखें, अपने टूटी पर अंगुली रखें, तो सब लोग अंगुली यहीं पर रखेंगे जहां पर आप रखे हुए हैं, जबकि ये टूटी नहीं है, ये आपका चीक है, गाल है। इसी तरह से यहां पर डुप्लीकेशन होता है कि आप जो करते हैं वही आपकी टीम करती है। साथियों, यहां पर एक पैडी थ्योरी लागू करना होगा आपको। एक धान की तैयारी होती है तो किसान क्या करता है, धान का जब तैयारी होता है, धान की थ्योरी में है कि धान की जब तैयारी होती है तो किसान अपने घर के बीज को मुट्ठी में लेता है और जमीन को तैयार करके, पानी डाल करके उसमें पूरे धान को छिड़कता है। वो नहीं देखता है कि इसमें से कौन सा धान उगेगा, कौन सा धान नहीं उगेगा, कौन अंकुरित होगा, कौन नहीं अंकुरित होगा। वो सभी धान को पानी में, खेत में फेंकता है, खेत तैयार करने के बाद। उसके बाद जिस धान के दाने में दम होता है वो पानी में नीचे बैठ जाता है, और जिस कमजोर जो होता है वो नहीं बैठता है। फिर कुछ दिन के बाद उनमें से कुछ दानों में अंकुर निकलते हैं, वो धान का पौधा अंकुरित होकर के निकलता है। फिर वो किसान उसको, पौधे को वहां से उखाड़ करके दूसरे खेत में जाकर के उसको रोपता है और डिस्टेंस दे दे करके रोकता है ताकि उसको फैलने का एक जगह मिल सके। उसके बाद उसमें जब खर पतवार आते हैं तो वो किसान उस खर पतवार को भी निकालता है, खर पतवार को निकालता है, समय समय पर उसकी सिंचाई करता है। फिर उसमें बाल आ जाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए वो किसान यहां तक करता है कि धान के खेत में एक पुतला बना देता है, एक आदमी का कपड़ा पहना करके एक पुतला खड़ा कर देता है ताकि जानवरों से और अन्य चीजों से उसके खेत की सुरक्षा हो सके, मतलब उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तब जाकर के वो धान तैयार होता है, बाली होता है, फिर उसको वो काट करके अपने घरों में लाता है और इस तरह से उसकी प्रक्रिया चलती है। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्क बना रहे हैं, आप स्वयं भी और आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति भी, सब लोग एक व्यक्ति हैं, एक इंसान हैं, सब सफलता चाहते हैं। और सब लोग सफल हों इसके लिए जरूरी है कि इस व्यवसाय के नियम, इस व्यवसाय के तरीके, इस व्यवसाय की ट्रेनिंग उनको प्राप्त हो। अगर नियम नहीं जानेंगे तो उनकी सफलता संजोगवश हो सकती है लेकिन वो स्थायी नहीं हो सकती। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यकर्ता आए और बहुत शानदार व्यवसाय कर दिए पहले ही महीने, लेकिन दो चार महीने के बाद वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लुप्त हो जाते हैं, वो उनका कंसिस्टेंसी के साथ व्यवसाय नहीं रहता है। वो जो शुरू में बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे थे, बाद में उनका व्यवसाय रुक जाता है, वो बहुत सारे कारणों से रुक जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, उनका नेटवर्क नहीं बढ़ पाता है, या उनका बिजनेस रेगुलर नहीं रह पाता है। साथियों, इस बात पर हम लोगों को गौर करनी है। हर चीज के एक नियम होते हैं, हर काम के एक नियम होते हैं। तो इतना बड़ा जो इंडस्ट्री है जिसमें 465 अरब का व्यापार होने जा रहा है, तो इसके भी कुछ नियम होंगे। जैसे खेल के भी एक नियम होते हैं, फुटबॉल के भी एक नियम होते हैं, क्रिकेट के भी एक नियम होते हैं, दोनों खेल है, फुटबॉल भी क्रिकेट भी, और दोनों में बॉल होता है, लेकिन फिर भी नियम अंतर है। फुटबॉल में हाथ में बॉल लग गई तो हैंडबॉल हो जाता है, लेकिन क्रिकेट में
अगर पैर में बॉल लग गई तो LBW हो जाता है, दोनों के नियम अलग अलग हैं। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में सुनिश्चित सफलता के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है, बेसिक चीजों का पालन करना होता है। साथ ही कुछ कोर स्टेप्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, उस कोर स्टेप्स को जीवन भर साथ रखना होता है। कुछ कॉर्डिनल रूल हैं, उस रूल पर हमें चलना होता है। अगर हम बेसिक्स, कोर स्टेप्स और कॉर्डिनल रूल्स को स्वयं अपने जीवन में और अपने टीम के साथियों के जीवन में हमेशा लेकर के चलें, तो हर व्यक्ति मोरल जैसे शानदार संस्था में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स क्या है साथियों? नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स है, सबसे पहला बेसिक्स है कि मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड योर प्रोस्पेक्ट्स। आप अपने सपनों के लिस्ट बनाइए कि आपकी क्या क्या ड्रीम्स हैं। यही आपका आधार का काम करेगा, न्यू का काम करेगा। जब न्यू मजबूत होगा तो आप सुनिश्चित सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो सफलता स्थायी होगी। न्यू मजबूत नहीं होगा तो सफलता मिल करके भी खत्म हो जाती है। इसलिए बेसिक्स का ध्यान रखना है, और बेसिक्स में पहला है कि मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड योर प्रोस्पेक्ट्स। अपने ड्रीम्स का लिस्ट बनाइए कि आप क्या चाहते हैं इस जीवन में, आपकी ड्रीम क्या है। आप चाहे जागते हुए ड्रीम देखते हो या सोते हुए ड्रीम देखते हो, आपकी अगर कुछ ड्रीम है लाइफ में तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपका ड्रीम को आप नोट करें कि हमारा ये ड्रीम है, और उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आप अपने प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट तैयार करें। जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनका एक लिस्ट तैयार करें, मेक ए लिस्ट। फ्रेंड्स का लिस्ट तैयार करें, अपने मित्रों का लिस्ट में नाम लिखें, अपने रिलेटिव्स का लिस्ट में नाम लिखें, इंस्टीट्यूशंस आपके एरिया में है उसके अपने लिस्ट में नाम लिखें, इमिनेंट पर्सन जितने प्रभावशाली लोग हैं आपके जान पहचान के क्षेत्र में उनका लिस्ट में नाम लिखें, जितने पड़ोसी आपके हैं नेबर्स उनका लिस्ट में नाम लिखें, जितने डॉक्टर्स हैं डीलर्स हैं उनका लिस्ट में नाम लिखें, डॉक्टर्स डीलर्स डिपोजिटर्स इन सब का लिस्ट में नाम लिखें, और एस स्ट्रेंजर्स जो अपरिचित हैं उनका भी लिस्ट में नाम लिखें। आपके 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आ जाए आप उसे परिचय करने की कोशिश करें और अपने लिस्ट में उनका नाम और मोबाइल नंबर शामिल करने की कोशिश करें। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी इस नेटवर्क मार्केटिंग में उतना ही बड़ी सफलता के आधार आपके लिए तैयार होती जाएगी। साथियों बेसिक्स में दूसरा है कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बेसिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण है कि यूज द प्रोडक्ट्स, 100% यूजर बने प्रोडक्ट्स का। आप अंदर बाहर से एक बने। आप जिस संस्था में अपना कैरियर बनाने आए हैं, जिस संस्था से आप 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया अर्न करने आए हैं, जिससे आप अपने बच्चों के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए एक आर्थिक समृद्धि का आर्थिक आजादी का सपना लेकर के आए हैं, डुप्लीकेशन का व्यवसाय है, आप जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी। तो आपका बेसिक्स कहता है नेटवर्क मार्केटिंग का कि यूज द प्रोडक्ट्स, 100% यूजर बने अपने प्रोडक्ट्स का। आप मोरल में हैं और मोरल का चाय आपके यहां नहीं पिया जा रहा है तो समझिए कि आपका विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पा रही है जो बेसिक्स तैयार होता है, जो न्यू तैयार होता है। आप मोरल में हैं और मोरल का टूथपेस्ट यूज नहीं होकर बाहर से टूथपेस्ट आ रहा है, मोरल का मसाला नहीं यूज करके बाहर से आ रहा है। साथियों बेसिक्स कहता है कि यूज द प्रोडक्ट, 100% यूजर बने प्रोडक्ट का, और मेक रिटेल सेल डेली। आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट आपकी बड़ी है, बड़ी होती जाएगी डेली लिस्ट, क्योंकि हमने कहा कि 3 फीट के दायरे में जो आते हैं उनको आप जरूर प्रभावित करिए, उनको आप जरूर परिचय करिए, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। कोई आपके 3 फीट के दायरे में आया और बिना आपसे परिचय हुए, बिना आपसे 2 शब्द बात हुए वो चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। तो जब आपके पास एक लिस्ट है और उनको आप मोरल की स्टोरी सुनाएंगे, मोरल की प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, तो वहां से मांग आएगी। इस तरह से आपका स्वतः एक रिटेल सेल जनरेट होगा।
तो बेसिक का दूसरा चीज है साथियों कि यूज द प्रोडक्ट्स 100% यूजर बने प्रोडक्ट। साथियों बेसिक की तीसरी चीज है कि आपने जो लिस्ट बनाया है उनको कॉन्टेक्ट करें, उनको कॉन्टेक्ट करें, उनको अपने सिस्टम में अपने संस्था में जुड़ने के लिए इन्वाइट करें। आप उनको कॉन्टेक्ट करें, आपके लिस्ट में जिनके सपने बड़े हैं, जो ज्यादा आपको लगते हैं कि ये व्यक्ति ज्यादा सोच विचार और ज्यादा बड़े दायरे का सोच का व्यक्ति है, उनको पहले कॉन्टेक्ट करें। हम लोग क्या करते हैं कि पहले 100 टारगेट देखते हैं, जहां से क्वेश्चन कम होगा उन्हीं को लिस्ट में पहले कॉन्टेक्ट करते हैं। नहीं साथियों, पहले उनको कॉन्टेक्ट करें जो आपको लगता है कि इनकी सोच बड़ी है, इनके सपने बड़े हैं। इस तरह से उनको इन्वाइट करें, कॉन्टेक्ट करें और उनका कुशल क्षेम पूछें। कुशल क्षेम पूछने के बाद वो क्या कर रहे हैं, कैसा उनका चल रहा है काम, उस बात के सुनते हुए फिर आप अपनी बातों को फिर वहां पर कहें, आपको सफलता मिलेगी। साथियों उसके बाद आपको जो बेसिक्स का चौथा है वो है एसटीपी, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, मतलब लोगों को प्लान दिखाएं, प्लान प्रेजेंट करें। बेहतर प्लान क्या है इस दुनिया का? साथियों बेहतर प्लान वह है जो आप दिखाते हैं किसी को। प्लान दिखाया ही नहीं जाए किसी को तो प्लान बेहतर कैसे हो सकता है? तो दुनिया का बेहतर प्लान वो है जो अधिक से अधिक लोगों को दिखाया जा रहा है। तो आप दिखाएं लोगों को अपना प्लान, सो द प्लान। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये बेसिक की पहली चीज है। दूसरा, यूज द प्रोडक्ट्स, 100% यूजर बने प्रोडक्ट का, एंड मेक रिटेल सेल डेली। तीसरा, कॉन्टेक्ट करें, उनको इन्वाइट करें अपने सिस्टम में। चौथा, एसटीपी, बेहतर प्लान वही है जो सो किया जाए, सो द प्लान। पांचवा, फॉलो अप। साथियों आप चर्चा करके लोगों को प्लान बता करके सिर्फ छोड़ नहीं दें, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आप उनको फॉलो अप करें, उनसे पूछें कैसा लगा आपको, आप क्या सोच रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, इस तरह से उनको आप फॉलो अप करें। 10% प्लान काम करता है नेटवर्क में, 90% आपका फॉलो अप काम करता है। आप फॉलो अप करेंगे तो आप ज्यादा सफल होंगे। साथियों फॉलो अप के बाद आपको जो छठा है बेसिक्स का वो है कि आपके पास टूल्स होने चाहिए। आपके पास प्लान की फोल्डर, कंपनी के प्रोडक्ट्स की बुकलेट, सारे पीपीटी, ये सारे टूल्स होने चाहिए। तो टूल्स को आप उनको शेयर करें, आप उनको टूल्स भेजें, आप उनको कंपनी के सारे लिटरेचर्स दें। जब वो हार्ड कॉपी देखेंगे या सॉफ्ट कॉपी देखेंगे तो उनको डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। और सातवां है कि आप उनकी स्पॉन्सरिंग करें, अर्थात टीम वर्क करें, आप उनको प्रायोजित करें, मतलब उनकी जिम्मेदारी लें, उनको ट्रेनिंग दें, उनसे भी लिस्ट बनवाएं और उनको समय दें। इस तरह से आप ये 7 बेसिक्स का अगर पालन करेंगे तो सुनिश्चित सफलता हमेशा आपको मिलती रहेगी। साथियों इस बेसिक के साथ साथ आपको कुछ कोर स्टेप्स साथ में लेकर के चलने होंगे। 11 कोर स्टेप्स लेकर के आपको चलना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मोरल जैसी संस्था में सुनिश्चित सफलता आपकी इंतजार कर रही है। कोर स्टेप्स में पहला होता है कि गोल सेट करिए। आप अपना गोल सेट करिए, लक्ष्य सेट करिए, गोल सेट करिए और फोकस ऑन गोल, अपने गोल पर फोकस करिए। जब तक गोल नहीं होगा आप पहुंचेंगे कहां? आप रेलवे स्टेशन पर भी टिकट लेने जाते हैं तो एक गोल होता है आपको कि मैं ये फलाना जगह जाना है, आप वहां का टिकट मांगते हैं। आपका कोई गोल ना हो तो कहां का टिकट मिलेगा, आप कहां पहुंच पाएंगे, किस ट्रेन में बैठ पाएंगे? तो गोल का होना जीवन में भी कहीं पहुंचने के लिए जरूरी है। और सफलता जैसी बड़ी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए तो गोल का होना साथियों बहुत ही जरूरी है। गोल पर जब आप फोकस करते हैं तो आपको गोल ही दिखलाई पड़ता है, प्रॉब्लम नहीं ज्यादा दिखलाई पड़ता है। और जब गोल पर आप फोकस नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत सारी चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं।
और जैसे ही आप गोल पर फोकस शुरू करते हैं, आपका फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है और व्यक्ति जिधर शिफ्ट होता है उधर चमत्कारिक परिणाम उसको मिलने लगता है। साथियों, फुटबॉल के मैदान में अगर गोल पोस्ट ना हो तो दुनिया के टॉप प्लेयर भी क्या फुटबॉल खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं साथियों। उसी तरह से जीवन में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए गोल का होना आपके कोर स्टेप्स में है। आप गोल बनाइए साथियों, कोर स्टेप्स में आप प्रोडक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करें तो आप समझें कि हर व्यक्ति कंज्यूमर है। 138 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति कंज्यूमर है। कितना बड़ा ये बाजार है। आपको उन कंज्यूमर्स को बुद्धिमान ग्राहक बनाना है, उनको बुद्धिमान ग्राहक बनाना है, उनको ग्राहक सम्मान योजना बताना है, उनको या तो कार्यकर्ता के रूप में जोड़ करके ग्राहक बनाना है या तो बुद्धिमान ग्राहक बनाना है कि मोरल के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उनको ये लाभ होगा। साथियों, मोरल में जितनी भी चीजें हैं उसका पूरी मार्जिन आपके पास जाती है। अदर जो ट्रेडिशनल होता है उसमें मार्जिन जाती है, बहुत सारे चैनल होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के बहुत सारे चैनल होते हैं। कंज्यूमर के हाथ में सिर्फ प्रोडक्ट जाता है, कंज्यूमर को कोई प्रॉफिट नहीं मिलती है। यहाँ पर कंज्यूमर के रूप में अगर कार्य करता है तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉफिट भी मिल रही है और यहाँ पर चीजें शुद्ध मिलती हैं क्योंकि फैक्ट्री से सीधे आपके पास आ रही है। बाजार में बहुत सारे हाथों से होकर गुजरते हैं इसलिए डुप्लीकेट चीजें भी मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर शुद्ध चीजें मिल रही हैं, अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं, तो आपको यहाँ पर एक स्टॉक रखना है कोर स्टेप में कि हमारे कुछ प्रोडक्ट हमारे घर में ऑलवेज रहें। एक कॉर्नर आप बनाइए जिस कॉर्नर में मोरल के प्रोडक्ट हों, उस कॉर्नर में मोरल के प्रोडक्ट हों। आप देखें कि उसमें कम होता जा रहा है तो और प्रोडक्ट रखते जाएं। उसी तरह से टूल्स का भी कॉर्नर बनाइए तो स्टॉक रखिए। जैसे वो किसान धान का फसल उपजाया तो पूरा धान नहीं बेच देता है, कुछ स्टॉक के लिए सीड के रूप में भी रखता है। तो उसी तरह से आप ये स्टॉक रखें जो आगे आपको नए लोगों तक सीड के रूप में काम आता है। साथियों, कोर स्टेप्स में नेटवर्क मार्केटिंग में सुनिश्चित सफलता के लिए तीसरा है कि सो वन प्लान मिनिमम एवरी डे, कि प्रतिदिन एक प्लान जरूर शो करें। बी योर ऑन बॉस, आप अपना बॉस खुद है नेटवर्क में, लेकिन बॉस बनिए। आप पनिशमेंट दीजिए स्वयं को, अगर आप कोर स्टेप्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप स्वयं को पनिशमेंट दीजिए क्योंकि आप अपना बॉस खुद है। आपका बॉस आप होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप अच्छा बॉस नहीं अपना बन पाएंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपना अच्छा बॉस बनिए। बी योर ऑन बॉस, और कोई लॉस नहीं है इसमें अपना बॉस बनने में, लाभ ही लाभ है। तो सो वन प्लान डेली, मिनिमम वन प्लान एवरी डे, ये कोर स्टेप में आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद आपको दो पर्सन कोर स्टेप में, चौथा यह है कि एड टू पर्सन डेली इन योर लिस्ट। अपने लिस्ट में रोज दो व्यक्ति का नाम शामिल करें, जो हमने बताया कि 3 फीट की दूरी पर जो आ जाए उससे आपका कुछ ना कुछ परिचय हो जाना चाहिए, वो आपका लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो एक कोर स्टेप्स है कि आपको डेली दो व्यक्ति का नाम अपने लिस्ट में एड करना है। कोर स्टेप्स में साथियों पांचवा है कि वन स्पॉन्सरिंग इन ए वीक, इसको आप अपना धर्म बना लें कि सप्ताह में मुझे एक स्पॉन्सरिंग करना है। आप नए आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या 20 साल पुराने हैं, ये कोर स्टेप्स और बेसिक्स सबके लिए है साथियों। तो ऐड टू पर्सन डेली इन योर लिस्ट के बाद पांचवा है कि वन स्पॉन्सरिंग इन ए वीक इज मस्ट, कि आप एक व्यक्ति को जरूर स्पॉन्सरिंग करें। सुनिश्चित सफलता का ट्रेनिंग को आप सुन रहे हैं और ये बेसिक्स और कोर ही आपको सुनिश्चित सफलता की तरफ ले जाती है साथियों। साथियों, बेसिक्स के बाद जो कोर स्टेप आप समझ रहे हैं उसमें छठा है कि अटेंड मीटिंग वीकली एंड मंथली मीटिंग। साथियों, वर्तमान कोरोना के समय में अगर हॉल की मीटिंग नहीं हो सकती है, ग्रुप मीटिंग नहीं हो सकती है, होम मीटिंग नहीं हो सकती है, तो आप मोबाइल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से,
मीटिंग करें, ट्रेनिंग करें, लेकिन खूब करें, पहले से ज्यादा करें, क्योंकि पहले जो आपको कहीं जाने में समय लगता था वो भी समय अब आपका बच रहा है, कहीं जाने में जो आपका खर्च लगता था वो भी खर्च आपका बच रहा है। तो अब पहले से ज्यादा आप मीटिंग और ट्रेनिंग करें। कोर में आता है कि कंपनी के सारे सेमिनार आप अटेंड करें। कोर स्टेप में आता है कि रीड बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ें, कंपनी के बुक और बुकलेट को पढ़ें। कहा जाता है रीडर्स विल बिकम लीडर, रीडर ही लीडर बनते हैं। तो कोर स्टेप्स में ये है आठवां की रीड बुक्स साथियों। कोर स्टेप का नौवां है कि रेगुलर काउंसलिंग करें। आप भी अपने अपलाइन से सलाह लेते रहें, उनका भी सलाह आप लेते रहें, और अपने नीचे लव लाइन का, लाइफ लाइन का, डाउन लाइन का आप रेगुलर काउंसलिंग करते रहें। ये आपका कोर स्टेप है सुनिश्चित सफलता के लिए। और दसवां है साथियों कि आपको अकाउंटेबल रहना है, आपको अपने चरित्र को अकाउंटेबल रखना है कि लोग आप पर हमेशा विश्वास कर सकें। आपको अकाउंटेबल रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, ओवर एक्सपोज नहीं करना है, आपको पैसे के लेन देन से लेकर के हर मामले में अकाउंटेबल रहना है, क्योंकि टीम उसी को डुप्लीकेट करेगी। जैसा आप होंगे टीम उसी को डुप्लीकेट करेगी। और आपको LTD 11वां है कोर स्टेप का कि लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, कि आपको अधिक से अधिक सीखना है। इसके लिए आपको हमेशा प्रशिक्षु की भूमिका में रहना है, सीखना है। MBA मुझे बहुत आता है, इस माइंडसेट में नहीं रहना है। आपको MCA रहना है, मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसा सोच करके हमेशा आपको सीखते रहना है, सिखाते रहना है। जो आप जानते हैं वो अपने साथियों को बताइए, इससे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है साथियों। और डुप्लीकेट LTD, ये 11 कोर स्टेप्स हैं जो आपको सुनिश्चित सफलता की तरफ ले जाए।